मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एनडीआरएफ की टीम द्वारा शिवपुरी क्लब में मॉकड्रिल कर लोगों को जागरूक किया गया और बम ब्लास्ट होने की जाने वाली इमरजेंसी के बारे में समझाया गया, जिसमें एनडीआरएफ के जवानों द्वारा सुरक्षा उपकरणों पहनकर और बम ब्लास्ट की तरह ब्लास्ट कर वहां किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाता है और साथ ही बम से पैदा हुई रेडियोलॉजिकल सिस्टम से कैसे लोगों को बचाया जाए, इस बारे में जो है बताया गया। और वहीं एनडीआरएफ टीम ने अधिकारी का कहना है कि लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है, जिससे बम ब्लास्ट के बाद निकलने वाले रेडिएशन से बचा जा सके। आज एक्चुअली 11 बटालियन एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे एक रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी पे मॉक एक्सरसाइज किया है, जिसके तहत हमने लोगों को दिखाया है और बताने की कोशिश की है कि यदि कोई आरडीडी ब्लास्ट हो जाता है तो कैसे विक्टिम्स को स्पेशल इक्विपमेंट्स और स्पेशल गियर्स का यूज करके कैसे उस मटेरियल को डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद यदि कोई विक्टिम्स हैं तो उनको कैसे स्टैंडर्ड तरीके से सारे इक्विपमेंट गियर्स को यूज करते हुए कैसे उनको वहां से इवैक्यूएट करना है, प्लस उस एरिया में यदि कंटामिनेशन फैल गया है तो उसको कैसे डीकंटामिनेट करना है, और जो हमारे रेस्क्यूअर्स उसमें एक्सपोज्ड हो गए हैं तो उनको हमारा एक 9 स्टेप होता है उसके तहत कैसे डीकंटामिनेट करते हैं। इसका मकसद ये था कि हम अपनी प्रिपेयरनेस को प्लस यहाँ पे जो लोकल रिसोर्सेज थे और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को चेक करके और यदि उसमें कुछ कमियाँ पाई गई हैं तो उनको नेक्स्ट टाइम कैसे दूर करेंगे, इसको हमने डीब्रीफिंग के माध्यम से विचार करके उसको फिलअप करने की कोशिश